तो ये है एक पावर एक्स का मदरबोर्ड। ये है पावर एक्स, देख सकते हो पावर एक्स का मदरबोर्ड है। और इसका मॉडल नंबर, तो ये एक कंपनी है जो अच्छी तरह से मॉडल नंबर प्रोवाइड करता है। तो देख सकते हो ZX61C/B75। तो मतलब ये 61 भी है और 75 भी है, वर्शन 3 2.3। तो ये नो डिस्प्ले केसेस है। तो देखो मैं चेक कर रहा था बस थोड़ा सा पहले, तो देखो बोर्ड में क्या प्रॉब्लम इशू है, थोड़ा सा दिखा देते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा, पावर बटन, पावर कनेक्टर, ये है सीपीयू कनेक्टर और एक बजर, ये बजर का पोर्ट है यहाँ पर एलपीसी पोर्ट पोर्ट नहीं है कुछ, मतलब एलपीसी पोर्ट मुझे दिख नहीं रहा है। ये यूएसबी पोर्ट है, ये यूएसबी पोर्ट है, ये ऑडियो पोर्ट है, मतलब एलपीसी पोर्ट इसका नहीं है। फोन पैनल है और एलपीसी पोर्ट नहीं है। तो ये बड़ा वाला डिबग कार्ड कोई काम का नहीं, इस बोर्ड में कोड नहीं जनरेट होगा, ये लगाना ना लगाना एक ही है। तो देखो मैं टिगर दे रहा हूँ बोर्ड को, ये लो टिगर दिया। तो लाइट कुछ ऐसा हो रहा है, डिबग कार्ड पे मत जाया करो, ठीक है? डिबग कार्ड देख के कोई फ़ायदा नहीं है और डिबग कार्ड में कोड भी जनरेट नहीं होगा, ऐसा ही होगा। और कीबोर्ड मैं एक प्रेस कर देता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड, ये कीबोर्ड लगा दिया और वीजीए भी लगा के दिखाता हूँ कि इसका कोई भी डिस्प्ले नहीं है, ठीक है? ये देखो वीजीए लगा दिया, कीबोर्ड पे देख सकते हो डिस्प्ले इसका नहीं है और वीजीए भी लगाया हुआ है, वीजीए मॉनिटर पे भी कोई डिस्प्ले नहीं है। यहाँ पर येलो लाइट है, डिस्प्ले आता तो ब्लू लाइट आ जाता है, ठीक है? तो ऐसा ही है। और थोड़ा सा वोल्टेज चेक करवा देते हैं इसको। तो ये देखो ये सारा वोल्टेज जनरेट हो रहा है पर डिस्प्ले आउट नहीं हो रहा है बोर्ड में, ऐसा ही कुछ है। तो ये ग्राउंड कर दिया मैंने और डिस्प्ले आता तो यहाँ पर बीप भी शायद आता, क्योंकि ये चाइना बोर्ड में बीप भी ठीक ठाक नहीं आता है, क्योंकि बाजार का भरोसे पे मैं डिपेंड नहीं करता हूँ। तो देखो अभी वोल्टेज जो है वो मैं दिखाता हूँ, इसका जो सीपीयू है ओवरऑल जो है सीपीयू का कंडीशन, ये हीट हो रहा है सीपीयू, मतलब कोर वीटीटी इसका बन रहा है, सीपीयू हीट हो रहा है बिंदास। तो ये देखो मल्टीमीटर पे थोड़ा सा फॉलो करो, ये देखो यहाँ पर आपको प्राइमरी मॉस्फेट के ड्रेन पे 12 वोल्ट है और इसका सोर्स से वोल्टेज आउट हो रहा है, मतलब कोर बन, सीपीयू वीटीटी बन रहा है, कोर भी जनरेट हो रहा है, 1 वोल्ट जा रहा है यहाँ पर भी है और तीनों मॉस्फेट पर ही है, मतलब बराबर है। और इसका जो कोर का एनेबल है वो भी चेक कर लेते थोड़ा सा, कोर का एनेबल, हाँ कोर का एनेबल भी इसका बन रहा है, मल्टीमीटर फॉलो करो, 1.11 वोल्टेज, मतलब सारा वोल्टेज इसका है, सीपीयू भी हीट हो रहा है पर डिस्प्ले नहीं है। तो देखो बेसिकली ऐसा अगर प्रॉब्लम हो तो आप, आपके पास अगर बोर्ड आए तो आप एक बार, ये ऑफ कर देता हूँ, आप एक बार बायोस को रिप्रोग्राम करके देख सकते हो कुछ भी करने से पहले। पर मैं जो है ये कीबोर्ड हटा देता हूँ और बीजेपी भी हटा देता हूँ, मैं जो है इसका बायोस नहीं करूँगा और मैंने पहले भी ट्राई नहीं किया इसका बायोस पे, वो भी मैं दिखा देता हूँ, बजर हटा देता हूँ आपको दिखाता हूँ, अभी देख के पता चलेगा कि इसका बायोस अभी भी हुआ नहीं। ये देखो इसका बायोस, तो मतलब कंपनी का जैसा असाइन था वैसा ही है इसका बायोस, क्लियर देख सकते हो, एक सेकेंड, ये देखो मतलब बायस पे अभी किसी ने हाथ नहीं लगाया और मैं भी बायस पे ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर सारा वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है। तो इसका जो PWIC है ये भी एकदम मतलब फुल्ली क्लीन है, चारों साइड जो है क्लीन है, पर इससे कोई भी मतलब खतरा नहीं है बोर्ड का, जो डिस्प्ले आउट ना हो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो नहीं सकता। इसका कोर का एनेबल भी बन रहा है, मैंने वो भी चेक कर लिया। कोर आईसी पे हम नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा सफाई कर रहा हूँ, ठीक है? बस ये बिल्कुल क्लीन है, देख सकते हो प्रॉपर क्लीन है। और ये बोर्ड नया बोर्ड है, ज़्यादा दिन एज नहीं है, करीब इसका वारंटी पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, 1 साल इसका एज है। तो अभी देखो ये जो हमारा जो
इसका पीसीएच है, इसको हम रिमूव करेंगे पहले हीट सिंक को। तो मैं रिमूव कर लेता हूँ, साथ में बने रहो। इसका जो हीट सिंक है तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ड्राई हीट करके एक बार देखेंगे। अगर डिस्प्ले आउट होता है तो ठीक है, जो भी होगा सामने ही होगा और आपको पता चलेगा। एक सेकेंड, नोस प्लस चाहिए, इससे नहीं हो रहा है ये। एक साइड हो गया और दूसरा साइड, बहुत टाइट है ये, अभी भी किसी ने खोला नहीं होगा शायद। तो ये देखो, ये है इसका। तो हाँ, मैंने बोला ठीक ही बोला, ये किसी ने अभी भी खोला नहीं है। तो ये डस्ट वगैरह थोड़ा सा है, पर उतना भी नहीं है। पर ये जो है प्रॉब्लम, मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से काम कर रहा हूँ, क्योंकि बायस पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं जाऊँगा, क्योंकि बायस का इशू देख के कुछ कुछ सिम्टम होता है जो देख के पता चलता है कि बायस का इशू है कि नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो पीसीएच है इसको मतलब पीसीबी के नीचे से थोड़ा सा हीटअप करेंगे, ड्राई हीट, और ऊपर से थोड़ा सा हीटअप करेंगे। थोड़ा सा हीटअप करने से अगर ये बोर्ड में कुछ भी डिस्प्ले वगैरह आता है तो हम फिर अच्छे से इसको उसके बाद मतलब पेस्ट डाल के हीटअप करेंगे और फिर डिलीवरी करेंगे। पहले देख तो लेते हैं क्या होता है। तो यार को थोड़ा सा कम करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जो नीचे से थोड़ा सा हीटअप करेंगे, ठीक है। और सीपीयू रैम जो है वही है, रहने देते हैं, क्योंकि सीपीयू रैम का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने सीपीयू एक्सचेंज करके भी देख लिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इसको ड्राई हीट करते हैं थोड़ा सा, अगर कुछ चेंजेस नहीं आते उसके बाद हम बायस करके देखेंगे एक बार, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो बायस पे मैं नहीं जाऊँगा, इसके पीछे कुछ रीज़न है। आप अगर काम करोगे तो आपको भी थोड़ा बहुत पता चलेगा, क्योंकि हर टाइम बायस का प्रॉब्लम नहीं आता है बोर्ड में, मतलब डिस्प्ले नहीं है तो बायस ही करके देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो हल्का सा बस ड्राई हीट दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा हीट नहीं है। 350 पे मेरा SMD है, तो हम बस देखेंगे कि कुछ चेंजेस आता है कि नहीं। तो नीचे से और भी थोड़ा सा करना है। तो मैं बस ऐसे नीचे से हीट कर रहा हूँ, ठीक है। बस ठीक है, और थोड़ा सा तो बस ये हल्का सा हीट अप करके देखते हैं, अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो थोड़ा सा ठंडा होने को देते हैं अभी। अगर देखते हैं कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं तो हम इसको अच्छे से पेस्ट डाल के फिर अच्छे से हीट अप करेंगे, ताकि अगर चले भी तो 2-3 मंथ चल जाए, ठीक है।
क्योंकि ज़्यादातर पीसीएच का प्रॉब्लम अगर सॉल्व होता है तो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, पर अच्छा पेस्ट डालो तो कुछ दिन चल जाता है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज तक चल जाएगा। अगर लकीली हो तो 6 मंथ भी चल सकता है बोट, क्योंकि इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत ड्राई सोल्ड है, मतलब थोड़ा कुछ इशू है तो ये सॉल्व हो जाएगा, और ज़्यादा बिगड़ चुका है तो ये नहीं होगा, और नहीं होगा तो वीडियो भी नहीं आएगा। तो डायरेक्टली बना रहे हैं, देखते हैं अगर होता है कि नहीं। तो इसका सीमोस सेल भी नहीं है, सेलर ने हटा दिया है। इस सेलर भी बहुत कंजूसी करता है, ताकि हम सीमोस सेल अगर चुरा लें तो भाई सीमोस सेल 1-2 रुपए में आता है, ये चुरा के कौन सा बिल्डिंग खड़ी करना है भाई। तो ये अभी भी गर्म है, थोड़ा सा बाईफोर्स इसको एयर देते हैं। थोड़ा सा और भी ठंडा हो जाए, हाँ अभी हुआ है थोड़ा सा ठंडा, तो हीट सिंक को लगा देते हैं, थोड़ा बहुत हीट अप है, हीट है तो ये ऑब्जर्व कर लेगा, तो बाद में फिर से खोलेंगे हम इसे, ठीक है। अगर ये डिस्प्ले थोड़ा सा भी आता है, थोड़ा सा मतलब डिस्प्ले अगर आता है तो इसे फिर से खोलेंगे, खोल के पेस्ट दे के हीट अप करेंगे, ठीक है। तो अभी एक बार पावर देते हैं, और फैन को भी लगा देते हैं। लगा दिया, अब डिबग कार्ड ये लगा के कोई फायदा नहीं है, ये डिस्प्ले आएगा तो ऐसे ही आएगा। तो कीबोर्ड और वीजीए को कनेक्ट कर देता हूँ, वीजीए को कनेक्ट कर दिया, कीबोर्ड को भी कनेक्ट कर दिया। तो अभी एक बार पावर दे के देखते हैं कुछ चेंजेस है कि नहीं, क्योंकि वोल्टेज तो इधर बराबर सारा बन रहा था, मतलब कोई भी कमी नहीं था। एक बार टिगर दे के देखते हैं कि क्या होता है। चलो फैन, ओ सॉरी, ये मैंने सीपीयू का सप्लाई नहीं डाला, इसलिए इसका फैन नहीं घूम रहा है। तो ये सीपीयू सप्लाई नहीं डालने से फैन भी नहीं घूमता है, बहुत बढ़िया बोर्ड है। चलो अब देखो फैन चलेगा। तो डिबग कार्ड में एलईडी पे मत जाएंगे, तो मॉनिटर पे, कीबोर्ड पे, हाँ डिस्प्ले आ गया लकीली आ गया आ गया। तो देखो बास पे मैंने गया नहीं, ये देखो डिस्प्ले आ गया। तो बास पे मैंने गया नहीं, मैंने पहले ही बोला था हर वक्त बोर्ड में डिस्प्ले नहीं है तो फास्ट स्टेप बायस करना नहीं चाहिए, पर आपके पास अगर ऐसा केसेस आए तो मैं एक बार रजिस्टर करके देखता हूँ। रजिस्टर कर दिया, आपके पास अगर ऐसा केसेस आए तो आप एक बार बायस पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया नहीं। पावर एक्स आ गया, देख सकते हो लोगों, और डिबग कार्ड देखो जैसा था वैसा ही है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है, और रैम सीपीयू जो था वही है ऑनबोर्ड, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि इसका जो कस्टमर का सीपीयू था जिस बोर्ड से आया था वही सीपीयू है। तो देखो डिस्प्ले प्रॉपरली आ गया है। अभी हमको क्या करना है मैं सिंपली बता देता हूँ थोड़ा सा, तो अभी मैं नहीं करूँगा, मतलब वीडियो में नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि लॉन्ग नहीं ना हो जाए वीडियो। तो अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, बोर्ड अभी चल रहा है। तो देखो अभी क्या करना है, इस हीट सिंक को मैं निकालूंगा, इसको अच्छे से पेस्ट डाल के फिर से और एक बार रिफ्लो करूंगा इसको अच्छे से, ठीक है। रिफ्लो करने के बाद अच्छे से कॉटन से क्लीन करूंगा, उसके बाद फिर थिनर दे के अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर एक बार देखूंगा, अगर ठीक ठाक है तो ऐसे रखूंगा, कल सुबह एक बार चेक करूंगा शॉप पे जाने से पहले, अगर ठीक है तो डिलीवरी हो जाएगा कल, ठीक है मतलब ये चलेगा। और कल अगर सेम प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर भाई ये
डिलीवरी नहीं होगा, ठीक है, वीडियो। और वीडियो भी मैं अपलोड नहीं करूँगा, आज तो ऑलरेडी 1:30 बज चुका है रात के, तो वीडियो आज अपलोड नहीं होगा। अगर ये सक्सेसफुल कल भी हो जाता है तो कल मैं 9 बजे से पहले, 9 PM से पहले वीडियो अपलोड करूँगा, और अगर अपलोड किया तो समझो कि भाई बोर्ड ठीक है, कस्टमर को डिलीवरी हो चुका है। तो अभी के लिए बस इतना ही है, और एक बार मैं पावर दे के देख लेता हूँ कि भाई चलता है कि नहीं, क्योंकि अगर बिगड़ना है तो इतना टाइम में बिगड़ जाएगा, तो फिर भी हमको और एक बार अच्छे से करना है। तो ये पावर दे दिया, अच्छे से रिफ्लो करना है क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ना है। ये आ गया, ठीक है, तो मतलब ठीक है, चलेगा। तो मैं अच्छे से रिप्लो कर दूंगा एक बार। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिला है, तो एक बस लाइक ही करके जाओ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।